वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम एक नई तरीके का वीडियो एडिटिंग सीखने वाले हैं, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं किए हो तो वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको वीडियोस के डेली अपडेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रीव्यू तो आपने देखा ही होगा, उस तरीके का ट्रेंडिंग इंस्टाग्राम रील्स वीडियो बनाना चाहते हो आप अपने मोबाइल फोन में तो कैसे बना सकते हो, वो जानने के लिए वीडियो लास्ट तक देखिए, ठीक है। आज जो वीडियो ट्यूटोरियल होने वाली है वो कैपकट एप्लीकेशन में होने वाली है, ठीक है। उसके लिए आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पर देखिए आपको कैपकट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर देखिए आपके फ़ोन के फोल्डर्स ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए आपको एल्बम पे चले जाना है, यहाँ पर आपके फ़ोन के सारे फोल्डर्स ओपन हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे से आपके फोटोज जिस भी किसी फोल्डर्स में होंगे वो उस फोल्डर से आपको सिंपली एक फ़ोटो ले लेना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं एक फ़ोटो ले लेती हूँ, इसी तरीके से आपको भी एक फ़ोटो ले लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको सिंपली ऐड पे क्लिक कर देना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगा ऐड ऑडियो का। आपको सबसे पहले तो यहाँ पर आपको ऑडियो ऐड कर लेना है, उसके लिए आपको ऐड ऑडियो पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर साउंड मिल जाएगा, साउंड पर चले जाना है, फिर योर साउंड पर चले जाना है, फिर फ्रॉम डिवाइस पर चले जाना है। यहाँ पर से आपके फ़ोन के सारे फोल्डर्स ओपन हो जाएंगे सॉन्ग के, तो आपके जो भी सो कोई सॉन्ग होगी उसे यहाँ पे से ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने मिल जाएगा। उसके बाद इस तरीके से सॉन्ग को जूम कर लेना है, इस पर क्लिक कर देनी। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगी मैच कट वाली, ठीक है। इस पर चले जाना है, इसमें जाने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली सॉन्ग को सुन लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब भी बीट आती है तो यहाँ पर से हमारी जो बीट है वो स्टार्ट होती है, तो आपको सिंपली ऐड बीट पे क्लिक कर देना। इसी तरीके से आपको सॉन्ग को सुन लेना है, फिर यहाँ पर आपको बीट लगा देना है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए हमने सारे जो बीट्स है वो लगा चुके हैं। उसके बाद आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पे टिक कर देना। टिक करने के बाद आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये जो फर्स्ट वाली फ़ोटो होगी उसे एक्सटेंड कर देना है। आपको जो फर्स्ट बीट मार्क है वहाँ तक, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम फर्स्ट बीट मार्क तक इसे एक्सटेंड कर देते हैं। एक्सटेंड करने के बाद आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पर देखिए आपको इस फोटो पे क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे एनिमेशंस मिल जाएगी, एनिमेशंस में चले जाना है। एनिमेशंस में जाने के बाद यहाँ पर देखिए आपको कॉम्बो मिल जाएगी, इस पर चले जाना है। इसमें जाने के बाद यहाँ पर देखिए आप जब स्क्रॉल करोगे तो आपको एक इफ़ेक्ट मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए ट्राइसेक्ट 2, ठीक है, ये वाली इफेक्ट्स को लगा देनी है। उसके बाद यहाँ पर टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद यहाँ पर आपको फ़ोटो के स्टार्टिंग में आ जाना है और यहाँ पे इफेक्ट्स पे क्लिक कर देना है। इफेक्ट्स पे जाने के बाद यहाँ पे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर देखिए आपको पार्टी वाली एक इफेक्ट मिल जाएगी, इस पर चले जाना है। इसमें जाने के बाद यहाँ पर स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पे से ये वाली इफेक्ट को लगा देनी है, ठीक है, कलर वाली। तो इस तरीके का कलर इंटरफेस आपको देखने मिल जाएगा अपने फ़ोटो का, ठीक है। पर यहाँ पर जब लास्ट में आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर देखिए आपको फ्रेम मिल जाएगा, इसमें चले जाना है। इसमें जाने के बाद यहाँ पर आप स्क्रॉल करोगे तो नीचे देखिए आपको LED वाली एक इफेक्ट मिल जाएगी। तो इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने मिल जाएगी अपने फ़ोटो का, ठीक है। फिर यहाँ पर टिक कर देना है। फिर यहाँ पर देखिए ये जो दो इफेक्ट होगी उसे अपने पूरे वीडियो में लगा देनी है, जो फर्स्ट फोटो है वहाँ तक, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये जो नीचे कलरफुल वाली इफेक्ट होगी इसे भी आपको एक्सटेंड कर देना है, ठीक है, अपने ये जो फर्स्ट वाली फ़ोटो है वहाँ तक, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पर देखिए आपको लास्ट में ये जो कैपकट वाली लोगो होगी इसे यहाँ पे क्लिक कर देना और यहाँ पे से डिलीट कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको प्लस के साइन पर चले जाना और सिंपली यहाँ पर से आपको कुछ फ़ोटोज़ ले लेना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम कुछ फ़ोटोज़ ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको सभी ये जो आपके फ़ोटोज़ है उसको यहाँ पर एडजस्ट कर देना है बीट मार्क के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम सभी फ़ोटोज़ को एडजस्ट कर देते हैं। यहाँ पर और एक फ़ोटो लगेगी, उसके लिए आपको ऐड पे क्लिक कर देना और यहाँ पे से आपको एक और फ़ोटो ले लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर आपको बैक आओगे तो यहाँ पर देखिए आपको नीचे फॉर्मेट वाली ऑप्शन मिल जाएगी, इस पर चले जाना और यहाँ पर आपको जिस भी किसी रेशो में वीडियो बनानी होगी वो रेशो सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं 9:16 का रेशो सेलेक्ट कर लेती हूँ।
उसके बाद इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने मिल जाएगा अपने फ़ोटो का, यहाँ पर देखिए इस तरीके का, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पर देखिए इस फोटो पे क्लिक कर देनी। क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे आपको एनिमेशंस मिल जाएगी, इस पर चले जाना है। इसमें जाने के बाद यहाँ पर से आपको सिंपली देखिए यहाँ पर नीचे कॉम्बो मिल जाएगी, कॉम्बो में चले जाना है। उसमें जाने के बाद यहाँ पर जब आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर एक नई इफेक्ट मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए आपको एक इफेक्ट मिल जाएगी रोलर कोस्टर वाली, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको ये रोलर कोस्टर 1 वाली इफेक्ट है और यहाँ पर ये रोलर कोस्टर 2 वाली। इसी तरीके से ये जो दो इफेक्ट है आपको इसी तरीके से आपको यहाँ पर फर्स्ट फोटो में रोलर कोस्टर 1 वाली इफेक्ट पर क्लिक कर देनी, उसके बाद यहाँ पर सेकेंड फोटो पर क्लिक कर देना और यहाँ पर इफेक्ट्स पर और यहाँ पर से आपको रोलर कोस्टर 2 पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इसी तरीके से ये वाली जो दो इफेक्ट है इसे आपको लगा देनी है अपने सभी फोटोज़ में, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने सभी फ़ोटोज़ में ये वाली इफेक्ट को लगा दिए। उसके बाद यहाँ पे टिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए आपके वीडियो का इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके का। उसके बाद आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पे बैकग्राउंड में फ़ोटोज़ चाहिए, उसके लिए आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये वाली जो फर्स्ट वाली फ़ोटो होगी उसको यहाँ पर आपको एडजस्ट कर लेना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर ये जो बाकी सारे फ़ोटोज़ होंगे उसके लिए आपको यहाँ पर देखिए आपको बैक जाना है। बैक जाने के बाद यहाँ पर नीचे आपको देखिए ऑप्शन मिल जाएगी कैनवास वाली, ठीक है, इस पर चले जाना है। इसमें जाने के बाद यहाँ पर देखिए आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगी ब्लर, ब्लर में चले जाना और यहाँ पर से आपको ये जो सेकेंड वाली इफेक्ट है इस पर क्लिक कर देनी है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा अप्लाई टू ऑल, तो इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपके जो जितने भी सारे फ़ोटोज़ होंगे उसके यहाँ पर बैकग्राउंड में ये वाली इफेक्ट्स लग जाएगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको देखने मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये जो फर्स्ट वाली फ़ोटो है इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें फ़र्स्ट वाली फ़ोटो में ब्लर इफेक्ट्स नहीं चाहिए, तो यहाँ पर आपको सिंपली यहाँ पे नन पे क्लिक कर देना, फिर यहाँ पे टिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारी वीडियो है वो बनकर तैयार हो चुकी है। मैं एक बार इसे प्ले करके दिखाती हूँ, तो इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने मिल जाएगा। तो इस तरीके का ट्रेंडिंग इंस्टाग्राम रील्स वीडियो बनाना चाहते हो आप अपने मोबाइल फ़ोन में तो बहुत ही आसानी से बना सकते हो। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।